हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से स्टेयर का प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। मींस इफ़ यू हैव अ टू स्टेयर्स एंड यू वांट टू क्रिएट द प्लेटफॉर्म, तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा तो कैसे तैयार करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसे बनाया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्रिएट द फ्रॉम हियर वन स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब। इफ यू वॉन्ट यू कैन गो इन टॉप, सो इट्स बेटर फॉर यू की इजली यू कैन ड्रॉ फ्रॉम टॉप। Just go to top and then just click here on concrete slab, and after clicking here I just click like this platform. Okay, now whatever length and width you want you can change from here, and these are the positions, so I want this only. Okay, after this just close this, and if you want you can just copy this one. CO enter the shortcut key, otherwise here the copy command is here. Yeah, this one is copy command, otherwise CO is okay. And you can on your ortho, this. And if you see this, this one will look like this. I want to create platform between this. Okay, now for platform just create here line. Okay, suppose I want from here, or if you want you can do from here. Okay, suppose I want from here is this side, and from here I'll just click here 10 feet. Okay, and this side also 10 feet, and just meet from here to here. तो इस तरीके से हम पॉइंट बना देंगे इसमें। सेम आप यही वर्क इधर भी कर सकते हो। फिट टेन फिट लाइक दिस। इसके बाद इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दिया। इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब हमको यहाँ पे स्टेयरकेस बनाना है, और इनके बीच में जो गैपिंग है इस गैपिंग पे हमें प्लेटफॉर्म रखना है, ऐसा हमारा सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जस्ट क्लिक हियर ऑन स्टेयर्स स्टेयर स्टेयर, एंड आफ्टर दिस थोड़ा सा वेट करिएगा, ये हैंग करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट इन पॉइंट अगर करना है तो 0, और लेंथ एंड एंगल करना है तो 1, एंड हाइट एंड एंगल अगर आपके पास है तो 2। हम मेरे पास जो अभी है मैं स्टार्ट एंड इन पॉइंट से बनाऊंगा, सो आई जस्ट क्लिक किया 0। ओके, एंड देन क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन लास्ट पॉइंट। Okay, just click carefully just on last point like this. Now if you want to provide in left to 0 kar do, agar middle mein banana chahte ho to 1, of course I want in middle, so just click middle. Thoda sa wait karna padega, jaise aap 1 pe click karenge thoda time lagega, so aap bahut jaldi patience ko apne mat khoiyega, and like is tarike se aapke paas platform taiyar ho jayega. Platform तैयार होने के बाद अगर आपको यहाँ पे लाइक कोई सेटिंग करनी है, सेटिंग इन द सेंस लाइक इस यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास लेंथ इतना है, लेंथ मींस 1 नंबर मींस फ्रॉम हियर टू हियर, विड्थ इज व्हाट 3 मीटर 3 फीट, विड्थ इज व्हाट जस्ट उसका जो विड्थ मतलब कि स्टेयर का जो विड्थ है ये चीज, ठीक है 2 नंबर, एंड हाइट इज 10 फीट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैंडिंग होती है, देखिए यहाँ पे लैंडिंग में टॉप लैंडिंग, ठीक है टॉप लैंडिंग में अगर जाएंगे तो आप यहाँ पे जैसे अगर आप नहीं रखना चाहते, देखिए 1 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको ये इसको नहीं रखना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, और इसको भी अगर आपको नहीं रखना है तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप अगर ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर देते हैं, इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, और सेम आपको अगर बैक में भी नहीं रखना है तो बैक का भी ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये इस तरीके से यहाँ पे टॉप लैंडिंग है जो हमने क्लोज कर रखा है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन नहीं खुलेगा। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, बट जो मैं अभी केस करने जा रहा हूँ उस केस में मुझे नहीं रखना है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। हमें ऐसा ही स्टेयर चाहिए था, और इसके बाद सेम मुझे इधर भी बनाना है, तो आपको बनाओगे फिर से वहाँ जाके टाइम आपका लॉस होगा, सो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करिए, और क्लिक करके डायरेक्ट आ जाइएगा टूल्स पे, और टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे होता है आपके पास क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट्स, जैसे इसको क्लिक करेंगे
यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ से कहा था, हमने कहा स्टार्ट इन सेम प्रोसेस, दोबारा कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट, और इसके बाद जैसे आप वॉल लिख के एंटर करेंगे तुरंत वहाँ पे भी स्टेयरकेस तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेयरकेस तैयार हो गया, सेम प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ लगाई वही प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और इसके बाद क्लोज कर दीजिए। अब मुझे यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट करना है फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो कनेक्शन क्रिएट, अब अगर आपको थोड़ा अच्छे से देखना है तो जस्ट यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू कर दीजिए तो आपको और अच्छे से प्रॉपर देखने लगेगा। इनके बोल्ट वगैरह के भी साइज़ आप डबल क्लिक करके ठीक कर सकते हैं अगर आपको साइज़ चेंज करना है तो। अभी मुझे यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया चैनल सेक्शन पे, और यहाँ से आके एक चैनल लिया, और चैनल लेके फर्स्ट पॉइंट एंड देन आफ्टर फर्स्ट पॉइंट जस्ट क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट। जैसे मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक किया तुरंत इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। जब इसकी प्रॉपर्टी खुले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जस्ट आपको क्या करना है, इसका जो प्लेटफॉर्म इधर है आपको उस साइड में चाहिए, तो इस केस में आपको पोजीशंस पे जाना पड़ेगा। और इसका पोजीशन तो देखिए आपका, अगर आपको यही रखना है तो ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको ऑफ कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फेस उसका उधर हो जाएगा ठीक है। और अगर आप नेमिंग कर देंगे तो बेटर रहेगा, नेमिंग में क्यों, क्योंकि ये बीम है ना, तो इसको बताना पड़ेगा हमको कि दिस इज आवर बीम, सो जस्ट बीम पे क्लिक कर दीजिए और ओके। सेम अगेन, परफेक्ट लगा है, मैं चेक कर रहा था, और इस 36 पॉइंट्स ले लीजिए इस पर, और इस तरीके से लेके यहाँ पे हमने क्लिक किया, और सेम प्रॉपर्टी अगेन, राइट क्लिक, पोजीशन, और यहाँ पे ई एफ के और ऑन है क्या, एक बार चेक कर लीजिए आपका, अगर सही बना है तो वेल एंड गुड, नहीं मुझे उस फेस में चाहिए, ऐसा कर लिया मैंने ठीक है। और इसके बाद इसके नेमिंग पे गए, और नेमिंग पे जाके नेमिंग पे जाइए और यहाँ पे आप बीम कर दीजिए। इसके बाद एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये आपका यहाँ से जा रहा है और इसके मेंबर्स जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा जा रहे हैं ठीक है। तो इस केस में ये आपको मतलब कि प्रॉब्लम करेगा, तो इसको हमें फीचर्स कर देना चाहिए। तो फीचर्स के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे आपके पास फीचर्स होता है, और यहाँ पे जाके अब देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट मिला हुआ है, मीन्स मिड टर्म बोलते हैं इसको, इस पर क्या करना पड़ता है, फर्स्ट राइट क्लिक, सेकेंड राइट क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे आप तो देखिए आपके पास यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी, बट आपको इसको बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के लिए कट पे आइएगा और यहाँ पे आपको क्रिएट बिल्ड मिलेगा, और जैसे क्रिएट बिल्ड करेंगे और क्लोज कर दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट राइट क्लिक, सेकेंड पॉइंट राइट क्लिक, कट, क्रिएट बिल्ड, ओके, फर्स्ट पॉइंट राइट क्लिक, सेकेंड पॉइंट राइट क्लिक, कट, क्रिएट वेल्ड। वेल्ड क्यों, क्योंकि हमें वेल्डिंग करके इसको रखना है। और इसके बाद फर्स्ट पॉइंट राइट क्लिक, सेकेंड पॉइंट राइट क्लिक, कट, क्रिएट वेल्ड, ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट राइट क्लिक, सेकेंड पॉइंट राइट क्लिक, कट एंड देन क्रिएट वेल्ड, ओके। दोस्तों अभी आपके सामने ये तैयार हो गया। अब मुझे इसके ऊपर एक स्लैब डालना है जो इसको एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। तो स्लैब डालना बड़ा ही आसान है, बट उसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है, क्या यहाँ से होता है, आप स्लैब डाल सकते हो देखो, क्रिएट वेरिएबल ग्रेटिंग्स, बट प्रॉब्लम ये होगी कि आपका यूसीएस यहाँ पे है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इसके यूसीएस पे, और यूसीएस पे जाके आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है UCS एट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करके हमको प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके अप साइड में क्लिक करके एंटर करना पड़ेगा। अब प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है, फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक हियर, फर्स्ट पॉइंट एंड यहाँ पे आपको जहाँ पे भी लास्ट आपका है पॉइंट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तुरंत एक स्लैब ये तैयार कर देगा आपके सामने। इस तरीके से देखा होगा आपने रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पर आपको अक्सर मिलेगा इस तरीके की सीट, ठीक है। तो ये स्टील की एक सीट तैयार हो जाएगी आपके पास, जिसका यहाँ पे आप मटेरियल क्या डालना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टील हम डाल रहे हैं, और इसका पोजिशन क्या रखना चाहते हो, ऊपर की नीचे ऐसा, और इसका नेम क्या देना चाहते हो, आप यहाँ पे नाम दे दो उसको कि स्लैब है,
और इसके बाद इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा। मीन्स आप इजिली कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, और इसके बाद आप इसको रियलिस्टिक व्यू में आपने ऑलरेडी कर रखा है। अब हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे यूसीएस यहाँ पे हमने रख दिया, अब ये यूसीएस इसी पे काम करेगा, आप कुछ यहाँ बनाना होगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा, तो उस टाइम पे आपको फिर से क्या कर देना पड़ेगा, यूसीएस वर्ड, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ड, मतलब अभी आप नॉर्मल जगह पे आ गए हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं स्टील का पेयर एडवांस स्टील के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे को, और यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, प्लस इसका ड्राइंग शीट पे ड्राइंग कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा, तो वो होगा हमारा इसका पार्ट 2, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एडवांस स्टील सॉफ्टवेयर थोड़ा नया है शायद आपके लिए, अगर नया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, प्लस अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, और जिसको भी ये सीखना है वो मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे से बात कर सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।